सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के नोट 30 डिवाइस के अंदर आप जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को एक्सेस कैसे करेंगे। आपको भी अपने लॉक स्क्रीन, जब आपका फोन लॉक होता है तो स्क्रीन जब ऑफ होती है उस पर एक एनिमेशन लगा सकते हो जिसको हम बोलते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। हमेशा आपके वो डिस्प्ले पे स्टेबल रहेगा जब भी आप फोन जब भी तक यूज नहीं कर रहे तब तक। तो इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्सेस करना काफी इजी है। उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको आप नो डाउट इस्तेमाल करके एक इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हो अपने डिवाइस को। अभी चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कैसे एक्सेस करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। वेल गाइस, फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। आप इस तरह से ओपन करेंगे, इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस का एक सेटिंग्स मिलेगा, इसको आप प्रेस करेंगे एंड इस तरह से अगेन आपको ऑप्शन आएगा स्क्रॉल करना नीचे। यहाँ डिस्प्ले सेटिंग के अंदर डिस्प्ले में आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एक बार प्रेस करना है। इसको मैंने अभी यूज नहीं करा तो हम इसको यहाँ से पहले ऑन करेंगे। देन आपको देखने को मिलेगा एक सिंपल सा क्लॉक स्टाइल जिसको हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा, बट इसके स्टाइल्स को हमें चेंज आउट करना है क्योंकि मैंने बताया था बहुत सारे टेम्पलेट इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके लिए मोर स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए आपको सिंपल क्लॉक का ऑप्शन मिलता है, लेयर्ड स्पेस मिल जाता है, टाइम फाइल्स मिलता है, सेल्फी स्टिकर और स्टार ट्रिप जैसे बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। इस कैटेगरीज में हर एक कैटेगरीज में आपको 3 या 4 टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। यू नो क्लॉक वाले में आपको 5 टेम्पलेट मिल रहे हैं, लेयर्ड स्पेस में 3 मिल रहे हैं, यहाँ टाइम फाइल्स में आपको भी 3 मिल रहे हैं। नीचे सेल्फी स्टिकर है, सेल्फी स्टिकर वो है कि अगर आपको अपनी इमेज को ही सेट करना है तो इस तरीके से जो आपको सेव इसके मिल रहे हैं, इस सेव में क्या होगा कि आप चूज करेंगे कोई पिक्चर अपने जो भी अपने फोन के अंदर रखा हुआ है, इसके बाद आप उसको सेट करना चाहें तो उसको भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए एक्सेस कर सकते हो। मैं एक बार लेयर्ड स्पेस से इसको यूज करूंगा, अप्लाई कर दूंगा। अभी देखो हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे फोन में कुछ इस तरीके से ऑफ स्क्रीन पर दिखाई देगा ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टेम्पलेट जो हमने एक्सेस करा, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हालांकि ये बैटरी एनिमेशन है तो बैटरी का यूज ज्यादा करेगा, एक बार आप देख लेना, अगर आपको बैटरी का कंजप्शन ज्यादा होने लगे तो इसको बंद कर लेना, लेकिन उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एनिमेशन है तो डेफिनेटली बैटरी का यूज करेगा क्योंकि ये हमेशा आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो एक बार जाके ट्राई करना हो तो कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। इंटरेस्टिंग थी ये चीजें जो हमने आपको बताई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।